करके तीन फ्लोर जो है ना वो भी लिफ्ट से जाता हूँ। उसमें भी हालत खराब हो जाती है। वैसे ज्यादा ऊंचा नहीं है मेरे ख्याल से, 500 मीटर ही है ना। अबे तो 500 मीटर में भी बहुत हो रहा है। क्यों बेइज्जती कर रहा है? ये तो अच्छा, इसका एलिवेशन ज्यादा नहीं है। अरे वाटरफॉल वीडियो बनाना छोड़, एक काम कर, मोटिवेशन सॉन्ग लगा दे। कर हर मैदान से जा बंदे। मेरे दिमाग में भी यही गाना आया था, पता नहीं क्यों। अरे ले लो, देखी जा रहे अभी और ऊपर। वही तो कह रहे ना, बहुत ऊपर है। तो हम चले जा रहे हैं ऊपर, बाकी लोग रुक गए, लेकिन चढ़ना तो पड़ेगा ही। पता नहीं स्टेज और कितना ऊपर जाएगा, भाई रुकना नहीं है, रुक गए तो कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टेज बड़ा सुंदर है, आई होप डेस्टिनेशन केव भी उतना ही सुंदर होगा। Yes, we have arrived. Baki trekkers. यहाँ कभी कोई रहता था बुद्धिस्ट लोग? नहीं, इनको शांति चाहिए ना अलग से, इत्मीनान से। ये दो ही केव है, ये वाला है और एक उसके बगल वाला है। ये तो उसका बंद किया रास्ता, उसमें वो तो खुला है, ऐसा कुछ है नहीं। साइड साइड में रूम्स बने हुए बस। लेकिन मस्त स्पॉट्स चुना है यार ये लोग बनाने के लिए, एकदम झरना के बीच में। देखना वहाँ पे ये स्लिप होगा, मैं भी दो तीन बार स्लिप हो गया वहाँ पे। ये सामने जो पानी गिरा हुआ ना, पानी उन्हीं का सोर्स है। और ये देखो ना, ये छोटा छोटा साइड साइड में रूम है, मतलब इन लोगों का रहने के लिए, सोने के लिए बना हुआ बस उतना ही जगह। हाँ वही बेड बना हुआ ना, देखो ना सबके अंदर है। मेन की तो ये वाला, इसी में थोड़ा आर्किटेक्चर में ध्यान दिया है अंदर, थोड़ा सा पिलर उलर बनाया सुंदर सा। क्या लिखा है बोर्ड पे,
दिस मॉन्यूमेंट हैज बीन डिक्लेयर टू बी द नेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द एंशिएंट ईयर हु विल डिस्ट्रॉयज रिमूव इंजर्स. अच्छा, प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया. ये देखिए केकड़ा, बराबर केकड़ा.